फास्ट ट्रिप पे दोनों गाड़ियां साथ पे। सबसे बड़ी चीज है गाड़ी सेफ है यार, देखो इन गाड़ियों में ग्रीस ऑटोमेटिक होती है। चार 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 आ दिन दिहाड़ी भर्ती वाले चोर आ गए। 10 रुपए के तुरतुरे खाने होंगे पक्का, कम से कम भी 90-100 किलो चल रहे हैं। 1111 1444। तो गाइस कैसे हो सब, आप सबको हनुज की तरफ से प्यारी सी गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और अभी हम चल रहे कंटिन्यू पहुंचने वाले हैं। हम जावरा से थोड़ा पहले ही रतलाम, मोहम्मद रतलाम हम पहुंचने वाले हैं। और कल के ब्लॉग में आपने देखा कि जानी हमारे साथ नहीं हुआ, उसके बाद रात का ब्लॉग जो घरों के पेज में उसमें भी देखा जानी हमें नहीं मिला। अब आगे जानी कर रहा है वेट और आदिल भाई तकरीबन हम सब 150-200 किलोमीटर पीछे हैं यार। अब देखते हैं, कोशिश है उनका भी इंतजार करेंगे तो धीरे धीरे रुक रुक के चलेंगे। वहाँ चल के पहले नहाते धोते हैं, आइफा में रुकेंगे। अब सारा सिस्टम खाना पीना सारा आइफा में होगा अपना। पहुँचे अभी रतलाम बाईपास पे और यहाँ पे भी रोड का काम चल रहा है, सिंगल रास्ता ही खोल के रखा है, बाकी पुरानी रोड को तोड़ के वापस नया बनाया जा रहा है। इसी रोड से अंदर है ना, जब मेरे को लाइव लोकेशन भेजी घर की थी, वो बराबर घर की थी ना। मैं उससे जुमेर भाई परेशान नाराज हुए थे यार। अब यार अब दो चक्कर से मसला ऐसा हो गया, वहाँ से सेब यहाँ से केला यहाँ से मंडी पर केले में आगे टाइम होता है अपने पास। अभी तो 1 घंटा 2 घंटे यहाँ आदिल भाई का वेट करेंगे और जिस पार्टी का माल है वो इसने 4 दिन गाड़ी खाली करनी है। चाय वगैरह पी ली यहाँ पे, लगाएंगे भाई से भी चक्कर, जैसे पिछले बार गए थे संतरे का तो एक चक्कर लगाया था, उस चक्कर हमारी पहचान हुई वहाँ से निकल के। हम भाई भी आगे बाइक के साथ में बना रहे भाई रील्स। चावरा क्रॉस कर दिया मंदसौर, पहुँच गए भाई दालोदा। यहाँ से आईफा रह गए तकरीबन 25 किलोमीटर 20-25 मिनट पहुँचेंगे हम अपने 10 जगह के पास। फिर निकलते हैं धीरे धीरे, पीछे वो आ रहे क्या कहते हैं अपना आदिल भाई भी। हम लोग खाना खाने के टाइम बोल रहे हैं चल आटे बनाए मिले यार। कोशिश रहती है हमेशा कि पैसे बचे, जो बचेंगे कुछ तो लग रहे होंगे वो तो लगेंगे लगेंगे। और गौरव भी उठ गया क्योंकि पीछे जुबेर भाई के पास आराम से हम चाय वगैरह पी के आए। फिर आगे चेसी जा रहा है 6 चक्का लेकिन काफ़ी ज़्यादा लंबा है यार, 10 से 12 चक्के के बराबर लग रहा है इतना लंबा चेसी। गाड़ी बच गई, आगे से कुछ हो गया इशू इसको। पूरे सामने जा रहा है भाई कैंटर का, वो कैंटर नहीं वो कंटेनर डब्बे का चेसी 25 फीट वाला लंबा है भाई आयशर का। आयशर की गाड़ी की एवरेज आता है तभी ना काफी लोग आयशर के कंटेनर वगैरह लेते हैं, कंटेनर को तो माइलेज चाहिए होती है। और पीछे एक आ रहा कंटेनर मुझे ओवरटेक करने के चक्कर में ये भी आयशर गई। आज ना अपने साथ मसला हो गया, हमें आईफा होटल में मिला, जिस होटल में अपना वेट कर था अजू भाई और वो होटल में मिला ही नहीं। वहाँ पे पता नहीं क्या हमारा ध्यान कहाँ था, हम निकल आए वहाँ से। अब मैं गौरव को बोल रहा हूँ ज्यादा लंबा ही लग रहा हमको यार, हम बातें कर रहे थे ना एक वो अपने मुकीम भाई को फोन आके उनसे बातचीत करती थोड़ी, तो मसला ये हो गया हम वहाँ से 18 किलोमीटर आगे आ गया। अब शीशे में देख रहा हूँ पीछे पीछे अपनी गाड़ी आ रही है, अपनी गाड़ी अपने पीछे कैसे आ रही है, कन्फ्यूजन से ना। अब आगे होटल ग्रीन है नीमच पे, नीमच बाईपास में, वहाँ रुकेंगे वहाँ खाएंगे खाना, वहीं करेंगे आदिल भाई का वेट। वहाँ नहाने धोने के लिए पानी भी होगा होप, क्योंकि गुजराती होटल में पानी वगैरह होता है। फाइनली भाई जानी भी आ गया और इसी को हम पीछे छोड़ के आ गए थे, रस्से डीले हो गया ना ऊपर से, 2 क्रॉस मारे ठीक है। अभी आ गया टोल, कौन सा नीमच के पहले वाला टोल, अब सीधा नया गांव में टोल आएगा बॉर्डर से पहले वाला, यहाँ कटवाते हैं टोल। उन्होंने शायद खाना खा लिया यार, और मैंने खाना रात को भी नहीं खाया, थोड़ी भूख भी लग रही है, उनको बोलना पड़ेगा कि होटल ग्रीन है वहाँ रुकना। आदिल भाई का भी वेट करना है, आदिल भाई बोलेंगे आप मेरे को छोड़ दिया, मैं क्या बोलूँ यार मेरे को खुद ही याद भूल गई, अपनी गाड़ी भूल गई मेरे को यार कहाँ खड़ी है। हम होटल भी कालू भाई को हमने बुला के रखा था वहाँ पे यार, वो मिलने के लिए आए थे, हम याद ही रही। जब इंसान की सोच आगे पीछे हो, ध्यान आगे पीछे हो तो भाई फिर होटल ही नहीं मिला, और हंसी भी आ रही है। आगे फिर से आगे, कभी आगे कभी पीछे, उनके आगे जाम लग जाता है हम आगे हो जाते हैं, फिर हमारे आगे कोई गाड़ी ब्रेक मार लेती है हम स्लो हो जाते हैं, फिर वो आगे हो जाते हैं। नीमच बाईपास पहुँचाए, भाई भी आए और होटल ग्रीन, आईफा तो जब हम भूल आए थे फिर दोनों साथ में आ गए। इन्होंने खाना खा लिया, हम 3 बंदे खाना खाएंगे। अभी टायर वगैरह कर रहे चेक, ये कौन से, अच्छा ये टायर हैं, ये तो कैसे घिसा रही है यार। फास्ट ट्रिप पे दोनों गाड़ियां साथ पे, इसको हल्की सी हाइट है पर इसको कुछ भी नहीं है, क्या हाइट है पर इस पर 16 टन, इस पर 17 टन है बस, 1 टन का फालतू फर्क है। होटल ग्रीन यहाँ पे आ गए सभी, खाएंगे खाना, आपने खाना होता है आईफा में खाया, उन्होंने खाया वहाँ पे, खा के फ्री हो गए आराम से। एंड यहाँ पे क्या क्या किस किस की सब्जी मंगाई है, कुछ ना कुछ मंगाई है, ये तो दही है समझ आ गया, भिंडी भिंडी की सब्जी है, सभी मिलके खाना खाते हैं। आदिल भाई हमसे 70 किलोमीटर रह गए तो जब तक तो खाना खाते ऑलमोस्ट वो ही पहुँचने वाले होंगे।
खाना पीना अपना हो गया, गोरो चला गया पता नहीं क्या सामान लेने के लिए, दर्श कर रहा गाड़ी के अंदर से सफाई मिट्टी वगैरह, अज्जू भाई सो रहे यार, दोनों को सही चीज़ है, इसको बंपर टूटा है उसको भी हो गया यार, कराना ही नहीं है चेंज बंपर यार। अभी हम वेट कर रहे हैं क्या कहते हैं अपना आदिल, अपने आदिल भाई को रह गए 60 किलोमीटर, फिर 1 घंटा रुकना पड़ेगा, फिर ही बॉर्डर पार करेंगे सारे ही, फिर सबको मिलकर चलाना होगा ना, दुख नहीं लगता फिर सबको, वो तो एक बंदे को ना हम रह जाएं, अब देखते हैं यार, अब मैंने कि 2500 का योजना है वो सही रहेगा यार, चलो पहले ही बॉर्डर पे आ गए भाई फाइनली आदिल भाई भी, चलो यार सबसे बड़ी चीज़ है गाड़ी सेफ है यार, खाना खाना है खाओ खाओ फिर निकलेंगे यार, टाइम काफ़ी हो गया ना यार, इन्हें भी चौथी मंडी साढ़े चौथे इन्हें टेंशन होनी चाहिए यार, होगी गाड़ी बच यार, ये नेट टेढ़ा हो गया, बिल का टूटे वाला ना ये टेढ़ा हो गया ना भाई, चेक लगाए, चलो ये है कि गाड़ी सेफ, ये कल टूटा क्या भाई यार, फोटो आपको डालेंगे, आज भी डाल देंगे वीडियो में, रात को भी डाला यार, कितनी गाड़ी ये मतलब लेटी हुई थी यार, पलटने वाली हुई थी गाड़ी यार कल, चलो कोई दिक्कत नहीं, अब 2 बज गए और रह गए सब गाड़ियाँ इकट्ठियाँ होगी, अब केला ही केला ले लो, आटी जने पैसे खाने टेंशन लेनी, अब केले ही केले जने मर्जी केले का। देखो इन गाड़ियों में ग्रीस ऑटोमेटिक होती है भाई, VRL है ना, अभी ना VRL कंपनी की गाड़ियाँ, देखो ये पिन है ना, अंदर से बटन दबाते हैं, ये है भाई ग्रीस का डब्बा, और सब में लगी है, इस पर भी लगी है, यहाँ से पीछे भी आई होंगी पाइपें, देखो यहाँ पे भी लगी हैं, इस पर भी देखो, जब मन करता है बटन दबाया ग्रीस हो जाती है, इसको भी ग्रीस, हर जगह ये पॉइंट लगे हुए हैं यार, करते हम भी करवा सकते हैं, पर भाई करवा सकते हैं, ये टायर कौन सी कंपनी के यार, हाँ यार इस बार ऐसा ही पाने यार, ये भी रबड़ी लग रहे हैं इधर मिचलैन के टायर है, इस पे भी भाई वो एयर सस्पेंशन ले यार, VRL भाई काफी बड़ी कंपनी है, बहुत गाड़ियां है यार, हर डब्बे पे एक दो गाड़ी दिखी जाती है, चलते हैं हम मिच पीते हैं चाय, चलो चलेंगे चलेंगे भाई, अब पैसे हमारे पास होके जाते हैं, हमने देने, अब चित्तौड़गढ़ चप्पल रहेगी मेरी, चित्तौड़ जा जाके बॉर्डर पार करने प्लान तो होगा, मतलब हर चलो भाई तीनों गाड़ियां एक साथ, मैं तो काफी टाइम के बाद जानी को ड्राइव करूंगा, चलो अब निकलते हैं, रुको रुको मैं फोटो खींचो आगे साइड आगे से, 2:13 हो गए और मैं आ गया यहाँ पे, तो ये वो ड्राइव कर रहा है, ओके भाई 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 भी चले अब अपने घर को, इसके बाद आगे थोड़ा RTO वगैरह बैठते हैं ना, तो चित्तौड़गढ़ वगैरह वगैरह थोड़ा बहुत एरिया ये वाला क्रॉस कर लेते हैं, या एक आधा चलान करा लेंगे ना, फिर आगे वही दिखाएंगे, तो वापस से टेंशन नहीं हो गया ना, एक चलान हो गया तो पता आगे टेंशन नहीं है, फिर वही दिखाना है चलते रहना है, उसके आगे मैं ड्राइव करूँगा, वरना मेरे मुझे देख के ना बोलेगा इसकी छोटी उम्र फलाना फलाना, तो हो सकता है बड़ा चलान करे, निकल पड़े यहाँ से अब 2 बजे पर अब हम कंटिन्यू चलेंगे, और मौसम भी सही हो गया, मैं तो कह रहा हूँ बारिश आनी चाहिए ना, बारिश अपने तरपाल हमारे सारे हो गए, और मेरे को इसे तरपाल निकालना पीछे से, बारिश आएगी तो फिर RTO खर्चा नहीं आएगा, और जा हमारा, पर हम सिरदर्दी पालेंगे नहीं भाई, क्योंकि अगर चलान नहीं करो फिर हर RTO से ना मगजमारी करो, वो 500,000 मांगेगा सर इतने ले लो इतने लो, उससे अच्छा चलान करवाओ, चाहे चलान में ज़्यादा महंगा पड़ता है पर सिरदर्दी खत्म हो जाती है, वो आ रही अल्ताफ़ भाई की गाड़ी, अल्ताफ़ भाई लेके आ रहा गाड़ी, भाई बैठ के इधर हमारे गपशप, गौरव चला गया, वो मेरे बोला मैंने चलानी बोला बॉर्डर के बाद चलाना, और काफ़ी भाई कह रहे थे कि सैब अपने 12 टायरी को भी आप इतना ही सजा के रखो, कुछ कह रहे सिंपल अच्छी लग रही है, फिर से एक बार जितना हो सके कमेंट कर देना, आई थिंक ऐसी बेटर लगती है गाड़ी आगे पीछे से, हाँ तीनों गाड़ी आ गई, बाकी अब मैं क्लिपे ऐड कर रहा हूँ जो आदि भाई की गाड़ी फंस गई थी, कैसे कैसे उन्होंने रात को गाड़ी निकाली वो आप देख लो, ओ इधर से सही है। हेलो 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 हे
नटा डाल तू लो किलो कौन डाले रे दे तो रिमोट आने के बाद हाइड्रोलिक टच करने लगा नहीं तो पहुंचने वाले हैं भाई बॉर्डर पे, हम देखते हैं बॉर्डर की सिचुएशन कैसी है। मोटा मोटा तो पीछे बैठ गया, आदिल भाई पक्का इधर बैठे हुए। खींचो खींचो, आपने देखा होगा कैसे यार इसके पूरे ना इसके पूरे टायर के नीचे नेट भी टेढ़े हो गए। बहुत हमारी गाड़ी तो कट गया, इनका भी कट गया और हमारा भी कट गया सेम सेम टाइम में, तीनों का टोल कट गया। वो पास है मेरा बॉर्डर, हालांकि अब बॉर्डर बंद हो चुका है, पैसा नहीं लगता, लेकिन हाँ नाम के लिए वो बॉर्डर ही है अभी भी। चलेंगे मस्त आगे जाके ना, रील वगैरह उठाएंगे। आगे एमपी से बाहर बस वो बोर्ड है, वहाँ से आगे राजस्थान शुरू हो जाएगा। मैं और राजस्थान पहले यहाँ पे मतलब आरटीओ होते थे ना, वो टाइम टू टाइम बैठते थे, कोई बैठता है कोई नहीं बैठता। यहाँ पे पहला आरटीओ है जो यहाँ से पहले नया गाँव का ही आरटीओ है, वो ना अब 24 घंटे मतलब पक्का नाका आ गया, वहाँ आपको एंट्री देनी देनी है। चल रहे हैं वहाँ पे, देखते हैं। अब तीनों गाड़ियाँ साथ में ही हैं, अब एंट्री लेगा चलान करेगा मालूम नहीं जाके। चार 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 आ दिन दिहाड़ी भर्ती वाले चोर आ गए, आगे आगे चार मारे हुए। तीन तीन गाड़ी उनके लिए तो लॉटरी लगी, अपनी गाड़ी का 500,000, इसका 5,000 5,000 10,000 12,000 13,000 भाई लंबा काम है। मैं पहले बोला लगा दो साइड, 200 से काम नहीं चले, चलान कराएंगे ना यार, आगे भी हमें तंग करेंगे ना। और देखो सामने से इशारा मार रहे हैं, हम तो उतर नहीं रहे क्योंकि बहू साहब यानी कि भैया चले गए आगे। अब भैया बोलेंगे दोनों गाड़ियां अपनी हैं तो जो करना है कर लो, अब तो करें। अब इनकी ऊपर देखे ना, ये रात है कि कैमरा दिखा के हमें डराते हो, कैसे भूल जाते हो कि अपनी बीवी की साड़ी और लिपस्टिक हम ड्राइवरों के पैसों से लाते हो। कोई नहीं भाई, इसके ऊपर शायरी हम जल्दी बनाएंगे। अच्छा इधर बैठा हुआ यार, मुझे लगा इधर है। आदिल भाई चले गए पार, वो पार बापू भाई भी चले गए पार। अज्जू भाई को मैं कह रहा हूँ थोड़े आगे करो, उसको 10 रुपए के तुरतुरे खाने होंगे पक्का। आगे करो गाड़ी, 10 रुपए देते हैं ऐसे करके, ले 10 रुपए के तुरतुरे खाना। अब दोनों गाड़ी शहर भैया किसी के लेगी, कंटेनर वाले को छोड़ के उसने 200 का नोट लिया छोड़ दिया। हमारी हाइट है ना, हमसे तो लेंगे लेंगे। रुके भाई बॉर्डर पे, एक अपनी गाड़ी तो फ्री हो गई है, एक ये एक वो। अब देख रहे हैं यार एंट्री मांग रहे हैं, मतलब चलान कर दो इनके यार, तो फिर आके हम सोखे रहेंगे। मान नहीं रहा, अब देखो क्या बनता। अपना तो मेरे को बोला जाओ तो चलान करवा लिया, एंट्री दे दे। मेरा एंट्री की नहीं बोला, 200 300 300 मैंने बोला ले ले प्रभा, चलान जुड़ी करवाना। फिर यहाँ पे हमारा यूरिया भी कम था, ये गाड़ी यहाँ पे आदिल बनी सेल लगा थी अपनी गाड़ी, वो टाटा मोटर से आगे लगी। और जाते हैं अंदर से यूरिया की बाल्टी लाते हैं और पूछते भैया से यहीं डालेंगे कि आगे डालेंगे। बाल्टी लेकर निकल के आदिल भाई के साथ, मैं भी आदिल भाई की गाड़ी के साथ आ गए। यूरिया ले लिया, जब आगे कम हो गया तो डाल लेंगे, बाई चांस कम नहीं होगा सदाशहर पहुंच गए तो फिर वहां से उसी से डालेंगे पेट्रोल पंप वाले सिस्टम से। उस आरटीओ में चलाने नहीं किया, एंट्री ले ली, अब आगे देखते हैं। हम भी यही सोचते हैं चलान हो जाए, हर जगह देने से बेहतर है यार कि सिरदर्दी खत्म होती है। पर अब देखो यार क्या ही बोलेंगे, क्या करते हैं यार, क्योंकि करना तो है ना। वो बोलेंगे क्यों करते हैं क्या करते हैं भाई, अब मेरे को भी 2-3 साल हो गए इस लाइन में चलते हैं यार, होता ही होता है। तो किसी की किस्मत, जैसे बारिश का मौसम है, उस दिन मेरे अज्जू भाई गए थे तो उस दिन बारिश में भी थे, छाता के खड़े हुए थे चित्तौड़गढ़ में।
और अभी टाइम कितना 4 बजने वाले शाम के, और अभी हमारी गाड़ियाँ चित्तौड़गढ़ नहीं पहुँची हैं। और आज केले वाली सबसे लेट गाड़ियाँ हमारी हैं, क्योंकि आदिल भाई की गाड़ी के फंसने के कारण हम सब लेट चल रहे हैं। हम 60 में चलेंगे कंटिन्यू। आदिल भाई एक चीज निकाली, सबसे पहले इन्होंने बॉक्स से निकाला केला। मैं पूछ रहा हूँ ये यहाँ पे कौन डालता है भाई, इतना सेव रख के। एंड ये चीज निकाली, ये ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं उनपे लटका रहता है, वो ऊपर है ना शायद पपीला पपीता बोलते हैं, मुझे पक्का पता नहीं, जिसको पता है कमेंट करके बताना ये क्या होता है। कच्चा है पक्का है, खाएंगे क्या करेंगे, कच्चा है फिर डालो बीच में, पक्का तो डालो प्लेट में। ये सुबह तक पक जाएगा, पक्का कल टिश फिश हो जाएगा, कल दोपहर में इसको खाएंगे हम, कल इसका पोस्टमार्टम होगा। 3:41 हो गई और बाहर का मौसम अभी ठंडा हो गया, पहले दिन को गर्मी हो गई थी ना, अब मौसम एकदम बढ़िया हो गया। और अपने भी डबल तरपाला दिया हुआ है, अगर बाहर चार भी गई तो कोई टेंशन नहीं है ज्यादा। गाड़ियाँ साथ में टाइम भी टूटता है पर नहीं भी टूटता। अभी उन्होंने बोला कोई स्टॉप नहीं लेंगे किशनगढ़ तक, भाई कंटिन्यू चलेंगे। अभी उनको पानी चाहिए था, बोतल भर के पानी दे दिया यार, इनका रस्सा भी ढीला यार ऊपर वाला। चलो वहाँ पहुँच के करते हैं टाइट। अभी वापस से आ गए ना 55 पे यार, एक गाड़ी एक स्पीड में निकले सफर निकालती है। और अभी आगे से गाड़ी उनसे हम पूछने फिलहाल, तो अभी उन्होंने बोला आरटीओ नहीं है कोई। देखो अब डेफ अपनी गाड़ी में रह गया था 2 सेल, और डेफ की बाल्टी लेके हमने रख दी है अपने पास एडवांस में, जब जरूरत पड़ेगी डाल लेंगे, क्योंकि चाय पीने रुकी ना किशनगढ़ तो तुरंत डाल देंगे पाइप से। यहाँ पे भी देखो डेफ मिल रहा है पर नहीं यार, वो खुला हम डालते ही नहीं है, जा तो बाल्टी जा खुला डालेंगे भी टाटा गैराज से ही। पीछे हम 300 देख के आए और यहाँ पे वो खड़ी आरटीओ की गाड़ी, अब देखते हैं अब इसको बोलेंगे गाड़ी रखनी चाहिए आगे आगे वो आगे जाने तो। अब इसको बोलेंगे कि तुम 3,000 तक ले लो और 2,000 का हमें चलान बना के दे दो, उससे क्या होगा कि हमारा 2,000 बच जाएगा, 5,000 का चलान नहीं होगा। शाम के 4 बजे का टाइम, ये भी लगा दी मैंने साइड, भैया ने पीछे लगा दी, देखते हैं क्या सीन बनता है। लिया 900 रुपये दो गाड़ियों का, मैं वापस इधर आ गया, मैंने बोला आप आओ आपकी रील उठाता हूँ। मोटे चलो पोस्टिंग हो गई पीछे, चलो आज जो भाई मस्त नींद कर रहे हैं कूलर के आगे। यहाँ से चला गया रास्ता सीधा चित्तौड़गढ़, और हम चढ़ेंगे अब उदयपुर किशनगढ़ वाली रोड पे। अब 2 आटियों मिल गए सुबह से भाई, एक वो एक आगे वाला, अब यहाँ से ऊपर देते हैं क्या मसला रहेगा। मजा भी आता 7 गाड़ियों, आराम से बात करो आटियो से, अब बहुत थोड़ा करेंगे। अब यहाँ से हम चढ़ेंगे लेफ्ट, सीधा चला गया चित्तौड़गढ़ सिटी को, अगर यहाँ से हम घुमा के गाड़ी लेंगे इधर तो चला गया कोटा, यहाँ से उदयपुर, और हमें जाना है यहाँ से किशनगढ़। अब यहाँ से चढ़ते हैं ऊपर, अब ऊपर नहीं होना चाहिए आटियो यार। यहाँ से एक रास्ता चल गया बिलवाड़ा, और बिलवाड़ा यहाँ से आ गया 60 किलोमीटर, और उदयपुर 103 किलोमीटर, और यहाँ से हम हो गए इस तरफ। अब हमें यहाँ पे आरटीओ रह गए ऊपर जो इस रोड में मिल सकते हैं, बिलवाड़ा नसीराबाद अजमेर किशनगढ़, 4 आरटीओ हैं जो मैं रोड पे। उसके बाद नीचे तो बड़े, नीचे तो भाई पूछो मत, किशनगढ़ कोचमान डिडवाना लाडनू नहीं बैठता, रतनगढ़ सरदार शहर, और कौन सा रह गया पल्लू हनुमानगढ़ वाला, यार इतने आरटीओ मुझे समझ, सब आरटीओ रोड पे तो ऑफिस में कौन काम करता होगा। पानी नहीं अपनी गाड़ी पे, यहाँ रुके ऊपर रोड पे, मेरे टाइम नहीं वेस्ट करूँ, नीचे तो जो टाइम खराब होना शुरू हो जाता है, मतलब पानी की बोतलें लो चले फटाफट। तो क्या कर रहा है, जल्दी कर जल्दी पानी पी के चले फिर यार, मोटो भी आया, मोटो आ गया पानी, निकलते हैं अब यहाँ से भी, अंधेरा पड़ने वाला यार। यहाँ पे रुके थे 2 मिनट के लिए क्योंकि अपने पास वाटर कूलर में ठंडा पानी था बट बॉटल नहीं थी, तो यहाँ पे रुके, वहाँ से उन्होंने अपनी गाड़ी से बॉटल लाई, इधर से भी उधर से भी सभी वाटर कूलर से भर के मैंने बॉटल ठंडा पानी दे दिया। अब ठंडा पानी लिया हुआ था हमने 30 रुपये का कैंपर, हम चोरी थोड़ी है कि 20-20 की बोतलें लेंगे, और ये मैंने एक्स्ट्रा सामान, ये तो मेरा होता ही होता है, इसके बिना ज़िंदगी नहीं गुजर रही, ये तो कंपलसरी है। शाम के 5 बजने वाले, यहाँ पे रोड का काम चल रहा है डाइवर्शन, हम यहाँ पे मार्केट वाले एरिया से कर रहे हैं क्रॉस, चक्कू वाली मार्केट है ना ये, यहाँ पे चक्कू तलवार और वो डंडे टाइप डांसे, मतलब काफ़ी सामान मिलता है यहाँ पे। पहले पहले रुकते होते थे हम सामान लेते होते थे जब ये लाइन पूरी चलती थी, अब वहाँ पे रोड पूरी पड़ती है ना, उन्होंने पूरी उखाड़ के काम कर रहे हैं, गाड़ी लगाने की जगह नहीं है, इस वजह से हम कुछ भी सामान भी ले नहीं सकते। गाड़ी में रखना है मुझे सेफ्टी पर्पज के लिए चाकू रखना है। अभी कोई टोल पास आया था वो कटाया, ये आगे आगे चल रहे हैं, ट्रेन भी मालगाड़ी में चल रही है इस तरफ से। शाम के 5 बज गए और भाई चलने में इतना मज़ा आ रहा है ना,
मतलब हम चल रहे हैं तेज और बस गाड़ियों को कटिंग कर रहे हैं, मतलब कटिंग मतलब ओवरटेक करते जा रहे हैं, कोई हमें कर रही है छोटी गाड़ियां, बाकी हम चल रहे हैं 60 में, गाड़ियां चल रही 55 में, तो बस अभी लेफ्ट राइट करके बस ओवरटेक करते चलो, चलते चलो। और अब बाकी सब लाइन में हम रेस भी लग रहे हैं, टोल पे गाड़ियां बराबर आती हैं, जिसका टोल पहले कटता है तो वही फिर सीधा आगे, मेरा टोल पहले कट गया आज, बाकी दोनों पीछे हो गए, अब अगले टोल तक मैं ही आगे चलूंगा। शाम का कितना प्यारा खूबसूरत मंजर लग रहा है, सूर्यास्त अभी ऊपर है, होने वाला है सूर्य, दोनों आगे चल रहे हैं, हम पीछे पीछे, कभी वह पीछे कभी हम आगे, भाई शॉर्ट पैंट चल रहे हैं, क्योंकि शायद गाड़ी जल्दी पहुंचानी है, पहले बोर्ड से लेट खाली होगी, आप बोल रहे हैं जल्दी खाली हो जाएगी। आप यहाँ से लाइने गुजर रही है, इसे आप स्पीड का पता लगा सकते हो, देखो हमने गाड़ी इसलिए खींची हुई है क्योंकि उधर से आगे वाले तक जिसे हम जा रहे हैं ना, उन्होंने वहाँ से कार से गाड़ी वापस घुमा ली है, क्योंकि अपने आगे और पीछे और भी गाड़ी है ना, उसको बचल का सारी गाड़ी एक साथ जा रही है, सबका चलान मोटा पैसा, जिसने गाड़ी वहाँ से घुमा ली, हम सब ने गाड़ी खींच के रखी हुई है, कम से कम भी 90-100 चल रहे हैं, थोड़ा तेल खा लेगी कोई बात नहीं, कम से कम नाजायज पैसे देने से तो बच जाएंगे ना। बाहर पड़ने वाला हल्का हल्का अंधेरा भी आई थिंक बढ़ ही गया है, साथ चल रहे हैं आदिल भाई यहाँ पे बैठे हुए, आदर्श आदिल भाई की गाड़ी में बैठा हुआ है, बस एक दूसरे का ओवरटेक करते जा रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले और भाई अंधेरा हो ही गया, लाइटें वगैरह गाड़ियां कर ही रही हैं ऑन, पहले अपने को बोला गया था परसों की मंडी करवानी है, मतलब चौथे दिन सुबह गाड़ियां खाली करी हम उस सबसे आराम से चल रहे थे, अब बोल रहे नहीं करवा दो, थोड़ा हमने गाड़ी अब 60 में कंटिन्यू चल रहे, अभी रह गया यहाँ से हमारा 150 किलोमीटर किशनगढ़, मतलब 150 किलोमीटर 3 घंटे लगे जाएंगे, 3 घंटे, अभी 6 बज के 7-8-9 बजे गाड़ी हमारी किशनगढ़ पहुँच जाएंगी। हल्की हल्की लगी बारिश, पानी देख सकते हो मौसम बिल्कुल ठंडा है, स्वीट का मौसम, बस कहीं आगे रुकेंगे शायद चाय पीने के लिए, नहीं भी रुकेंगे तो बस मैं पट्टी मार दूंगा ड्राइवर सीट में, तो यहाँ से हम कंटिन्यू चलेंगे सुबह तक। इतनी बारिश में ये भी निकल गया, मेरे पास आके बराबर में चल रहे हैं, मेरे ग्लास पानी पीने के लिए भरा था, मैं कैसे करके दिखा रहा हूँ, मैं आने दो बोलते ना गलती होगी आगे। बाहर पड़ गया अंधेरा, वहाँ पे मैंने मम्मी भाई को बोला कि मेरा नंबर कब है, हम कब चलाएंगे, वो रहे इनके उस्ताजी की गाड़ी आगे से आ रही है, 100 किलोमीटर दूर है, 50 हम जाएंगे 50 वो, फिर चलेंगे मैं 50 किलोमीटर 1 घंटा, ये तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर हमने चलती गाड़ी में पलटी कर दिया, वो वहाँ पे बैठी है फोन पे बातें कर रहे हैं घर पे, एंड मैं यहाँ पे आ गया, इसी के साथ आगे टोल प्लाजा भैया और आदिल भाई की गाड़ी पीछे पीछे। पड़ गया बाद पूरा अंधेरा, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, बाकी साइड में लाइटें लगी हैं उस वजह से पूरी रोड क्लियर दिख रही है, और हल्की हल्की पीछे बारिश हुई थी आपको दिखाया ही उस वजह से ना, दूर सारी कांच में चमक गई है, वो अपने आगे चाय पियेंगे वहीं, शीशा वगैरह अच्छे से साफ करेंगे। रात के 7:30 हो गए और हम ये लास्ट टोल है, इसके बाद जब रह गया तकरीबन 50 किलोमीटर का सफर अपना किशनगढ़ वाला, यहाँ चाय पियेंगे, थोड़ा गाड़ी को भी रेस्ट और टायर टप्पा चेक कर लेते हैं एक बार, आदर्श कर रहा है टायर चेक, वहाँ गौरव कर रहा है और अजू भाई के उस्ताद शायद वो आए, उनसे थोड़ा मिल लेंगे फिर निकलेंगे आगे। टाइम शाम के 7:30, लोकेशन किशनगढ़ पहुँचने वाले, उससे पहले बब्बू भाई के उस्ताद जी वो इधर रुके थे फिर वो चले गए, आप उन वो आगे से कट से गाड़ी घुमा के आ रहे हैं, यहाँ पे चाय वगैरह पियेंगे, चाय पी के फिर निकलते हैं आप आगे, खाना खाएंगे हम गुजराती होटल है एक अपना 25 किलोमीटर आगे किशनगढ़ से, वहाँ पे खाना खा के फिर आगे सीधा रवाना, और अपनी कोशिश काल अपनी भी गाड़ी खाली हो जाएगी, मतलब जानी हो जाना दोनों खाली हो जाएंगे, चाय वगैरह पी ली, यहाँ पे सभी बैठे कर रहे हैं बातचीत, बस शीशी वगैरह भी ऑलमोस्ट साफ कर लिए, अब यहाँ से भैया करेंगे रेस्ट और मैं अपनी जन्नत को करने वाला हूँ ड्राइव, लेकिन जो उसको ड्राइव करने में फीलिंग है मज़ा है ना वो अलग ही है, नशा है ना उसको ड्राइव करना, एक नशा यार, क्या फीलिंग है। चाय वगैरह भी पी ली, अब चलेगा गौरव और हम बैठेंगे मैं और आदिल भाई गौरव के साथ, मस्त आराम से गपशप मारेंगे आदर्श इमरान उसके अल्ताफ के साथ और बब्बू भाई अर्जुन भाई वापस। 9:15 हो गए और हम चाय वगैरह पी के वहाँ से आगे थे, हम आगे अपना मेगा हाईवे में जहाँ से किशनगढ़ से नीचे दोनों गाड़ियाँ आगे निकल गई हैं, बस वो आगे रुकेंगे होटल पर खाना खाने के लिए, तो थोड़ा ही आगे एक आध मोड़ क्योंकि पीछे थोड़ा जाम सा था, मैं रुक गया तो वो निकल आई, तो डिफरेंस बन गया। 10 बजे और यहाँ होटल मिला, होटल गुजरात, यहाँ पे अपनी गाड़ी वो पीछे खड़ी है, ये दोनों गाड़ी पहले पहुँच गई, उन्होंने यहाँ पे रिवर्स करके लगाई हैं, अब खाना खाते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से आगे। खाना पीना अपना हो गया यार, कितने बंदे थे हम, 7 बंदे और 550 रुपये खर्चा आया यार, मतलब बढ़िया है यार। अब निकलते हैं यहाँ से, देखते कौन कौन सी गाड़ी चलाएगा, पर यहाँ पे घोड़ा गाड़ी गाड़ी निकलेगी भी से अपनी निकल जाएगी। खाना भी खा लिया, डैब भी डाल लिया, हम निकल के अपनी 10-21 तो आगे आदिल भाई के साथ आदर्श को भेजा, यहाँ पे भाई आगे मेरे साथ,
12 बज के बेसमेंट जानी अपना आगे चल रहा है, आदिल भाई की गाड़ी पीछे है, आदर्श वहीं पे बैठा हुआ है, भैया सो गए एंड में सेंटर में कर रहा हूँ ड्राइव। और रोड इतनी सुनसान है ना, बहुत कम गाड़ियाँ, बहुत कम, और आस पास कोई ना कोई घर ना कोई चाय की टपड़ी, कुछ नहीं। जगह का नाम अभी डिडवाना है, हम पहुँच के डिडवाना है। 1:11 1:11 सबसे पीछे मैं चल रहा हूँ, बीच में आदिल भाई की गाड़ी, आगे अज्जू भी चल रहे हैं, वो रुके हुए थे, फिर हम सभी रुके पीछे, शायद चाय पीने के लिए रुके होंगे, हल्की हल्की नींद भी आ रही है ना। रात के 1:30 का टाइम, वो चाय पी के निकल के हम अभी पहुंच के लाडरों, ये हम ब्रिज के नीचे से कट ले लिया, वो पार सामने लिखा हुआ है आई थी लाडरों, यहाँ से हमने कट ले लिया राइट कट। रात के 2 बजने वाले हैं, यहाँ पे रेलवे फाटक, बहुत ज़्यादा खराब रास्ता है, धीरे धीरे 1 नंबर लगा दिया मैंने, बिल्कुल प्यार से मैं क्रॉस कर रहा हूँ। 3:32 यहाँ पे थोड़ा शायद बाथरूम करने के लिए रुके, मैंने भी गाड़ी लगा दी साइड, टायर वगैरह कर लेते चेक, बस टॉफी वगैरह ली हैं कुछ ना कुछ, भाई थोड़े से पीछे रह गए थे, वापस से आगे साथ साथ तीनों गाड़ियाँ बिल्कुल हमने शीशे में एक दूसरे को देखते देखते चल रहे। 4 बजने वाले सुबह के, बस 10 मिनट कम रहे, अभी मैं आपको नेक्स्ट ट्रिप में दिखा दूंगा, मतलब अरे 1-1.5 मिनट के बाद आपको सूरज भी दिखता मिलेगा कि सूरज उदय हो रहा है, अंधेरा गायब हो जाएगा। 4:44 4:44 उठाओ उनको भी, आप या आप चलोगे भैया को उठाया, हमको आ रही है नींद, वो चलेगी आगे, अब चार वगैरह चेक करके निकलते हैं आगे। 5 बजे तकरीबन 5:30 होने वाले हैं, और यहाँ से हम अभी पल्लू से मुड़ गए अपना एक्सप्रेस के लिए, अज्जू भाई पहले आगे चल रहे थे काफ़ी ना, जो गवर्नमेंट गाड़ी थी वो आगे निकल गया, अभी वो वहाँ रुके हुए चाय पीने के लिए, तो मेरे बोला हम चलते हैं आगे, तो मेरे को वैसे वॉशरूम जाना है, तो हम आगे रुकते हैं और अल्ताफ, तो आप आओ तो बड़े कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ से 20 किलोमीटर में आगे चलो एक्सप्रेस है, फिर एक्सप्रेस में भी इंसान को नींद आती है ना, वहाँ पर जितने शिफ्ट हुए सब चेंज करेंगे। और एक चीज़ मैं कह रहा था, कहीं ना बंदे तनख्वाह नहीं देते भाई यार, मतलब कई बार ड्राइवरों की गलती है, कहीं ना मैंने देखा यार, अभी मेरे को एक दो फोन आ रहे थे कि भाई हमारी तनख्वाह फंसी पड़ी, हमारी तनख्वाह नहीं दे रहे मालिक, पर अब देखो ना यार मेरा मन, मैं अब कैसे किसी की तनख्वाह रोक सकता हूँ, अब मैं गाड़ी चल रहा हूँ, अब सुबह के 5 बज रहे हैं, पहला गवर्नमेंट चले, मुझे पता है मेरे को कितनी प्रॉब्लम्स का फेस, मतलब प्रॉब्लम्स देखनी पड़ रही हैं, और अपना वही स्टाफ है भाई यार, अपने भाई हैं सारे, बब्बू भाई, अज्जू भाई, मतलब मेरे को बचेंगे पैसे नहीं बचेंगे यार, मेरा पहला ही है कि जो उनकी सैलरी है मंथ में उनको टाइम से पहले दी जाए भाई, क्योंकि यार रात को चल चल के ही पैसे कमाए जा रहे हो, देखो अपना खून जला जला के। चलते हैं एक्सप्रेस में, पहले वॉशरूम कर जाते हैं, पेट काफ़ी ख़राब है, और यहाँ पे जगह ही नहीं गाड़ी खड़ी करने की, एक्सप्रेस में साइड पर जैसे ऊपर चढ़ेंगे वहाँ साइड पे गाड़ी खड़ी कर देंगे। पहुँच के भाई भारतमाला एक्सप्रेस, यहाँ से घुमा घुमा के गाड़ियाँ चढ़ेंगी, और पहला कच्चे माल का जन्म तो जाने का ट्रिप, और पहला ही ट्रिप दोनों का अकेले का ही भाई, आजू भाई चला रहे हैं, चाय पियेंगे, आदिल भाई कह रहे चाय पिलाओ, तो फिर मैं चलाऊंगा, मैं भी अल्ताफ को रेस्ट दूंगा, तो बब्बू भाई को उठाएंगे, नहीं तो गौरव मेरे को उठाता नहीं, आज तो नहीं उसको, थक गया क्या मसला रहा, उसने कोई उठा दी खुद से ही, बोला चलाओ गाड़ी, अल्लाह ठीक है, पूरी गाड़ी यहाँ से टर्न लेके जाएगी। सुबह के 6:30 होने वाले, हम चल रहे एक्सप्रेस में, थोड़ी सुबह हो ना, हम सोच रहे गौरव भी क्या था मेरे को उठाना, मैं गाड़ी के ऊपर रील शूट करूंगा, 3 गाड़ियां तो हमारी दोनों गाड़ियां एक ही फ्रेम पे आ जाएंगी, और मैं चल रहा हूँ क्रूज में, चढ़ाई हुई गाड़ी खुद स्लो हो जाती है, प्लेन पे खुद इनको ओवरटेक कर लेती है। आप पीनी है यहाँ पे चाय सबको, कुछ चाय पीनी है, चाय पहुंच गए यहाँ, चाय पीने रुके तो मिलते हैं भाई, क्या अंदर वीडियो में ब्लॉक करते हैं यहाँ पे, यहाँ टायर वगैरह यहाँ पे कर रहे सब चेक भाई, जा रहे